Hello everyone, this is our interview class. Welcome to the Voice Institute of English YouTube channel. तो आप सबको लगता होगा कि भाई कौन सी टेक्निक है कि हम इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स पा जाए, बिकॉज आपने अपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, आपने अपने बेसिक एग्जामिनेशन, बेसिक स्किल नॉलेज टेस्ट को पास कर लिया है, एंड नाउ यू आर एट द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन इन योर इंटरव्यू. तो आप नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई भी गलती हो जिसकी वजह से इंटरव्यू में आप बाहर हो जाएं. तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू के उन क्वेश्चंस को जिनको लेकर ज्यादातर बच्चे डरते हैं. जी हाँ, जनरली बच्चों के अंदर डर रहता है कि मेरे हाई स्कूल में कम मार्क्स हैं, या ग्रेजुएशन की मैं इस सब्जेक्ट में फेल हूँ, या मेरी स्टडीज में ये गैप है. तो हाउ टू टैकल दीज थिंग्स ड्यूरिंग माई इंटरव्यूज. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं. यस, दिस इज मी. माय नेम इज अनिल मिश्रा. आई हैव डन MBA फ्रॉम IIIT अलाहाबाद. यस, माय MBA इज इन फाइनेंस एंड HR. ओके, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ. मैंने अभी अभी बोली एक बात बताई आपको कि दिस video is for the weakness point of view in your resume. आपके resume में जो भी weakness को लेकर नजरिया है कि आपके ये marks कब हैं, यहाँ पर failure हैं, जैसे क्या क्या weakness मोटे तौर पर होता है, generally आपको किन किन चीजों से डर लगता है, तो ये हैं कुछ weakness जिन्हें आपको डर लगता है, जैसे low percentage, gap in education और any failure. आप कभी भी fail हुए हैं, किसी भी subject में fail हुए हैं, तो आपको लगता है कि इनका मैं जवाब कैसे दूं? तो दोस्तों याद रखिए कि ये चीजें आपको और मजबूती बनाती हैं. अगर आपका curriculum बाकियों से अलग रहा है तो ये आपको खास बनाती हैं, न कि कमजोर बनाती हैं. ओके, तो एक बात अभी भी मैंने बोली कि आपकी वीकनेस आपको स्पेशल बनाती है. योर वीकनेस मेक्स यू स्पेशल. इट प्रोवाइड्स यू चांस टू प्रूव दैट यू आर स्पेशल, नॉट ऑर्डिनरी. आपको लग रहा होगा ये कैसी बात कह रहे हैं सर, अगर मैं फेल हुआ हूं तो मैं स्पेशल कैसे हो गया, या मेरे कम मार्क्स हैं तो मैं स्पेशल कैसे हो गया. तो एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. एक बुक अभी अभी काफी चर्चा में रही और 2005 बैच के IAS टॉपर का नाम शायद लोगों को उतना नहीं पता है जितना ये पता है कि 2005 में एक ऐसे लड़के ने IPS के लिए क्वालिफाई किया जो 12th में फेल था. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनोज शर्मा जी के बारे में. मनोज शर्मा जी IPS हैं और ये 2005 बैच में क्वालिफाई किए हैं, और आज भारत में ज्यादातर लोग इनको जान रहे हैं. तो क्यों जान रहे हैं? क्या इनके बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स थे IAS में? तो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स होते, ये टॉपर बनते और IAS कैडर होता. तो ये चर्चा में इसलिए थे बिकॉज ये 12th फेल थे. यस, इनकी बुक का नाम है 12th फेल, और इसी बुक की वजह से ये इतने ज्यादा चर्चा में है. तो सोचिए, इनकी वीकनेस ही इनकी स्ट्रेंथ बनी और आज ये पूरे भारत में चर्चा के विषय बने हुए हैं. इनकी किताब बेस्ट सेलर में शामिल है. क्यों? क्योंकि इनके रेज्यूमे में, इनके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज थी जो इन्हें खास बनाती थी, और वो चीज थी इनका 12th में फेल होना. तो मेरे दोस्तों, आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है. कीप दिस इन योर माइंड. ओके, तो एक क्वेश्चन उठ रहा है कि हाउ टू आंसर अबाउट माई वीकनेस. जैसे अगर हमारे लो परसेंटेज हैं, हमारे गैप है डिग्री में, या हम फेल हुए हैं, तो हाउ शुड आई आंसर दीज क्वेश्चन. तो मैं इसको तीन इजी स्टेप में समझा रहा हूं. स्टेप नंबर वन, डोंट फील नेगेटिव अबाउट योर वीकनेस. जरा भी अपने वीकनेस को लेकर आप नेगेटिव में ना रहिए, बिकॉज ये आपको खास बनाता है. इसको दिमाग में रखिए. स्टेप नंबर टू की अगर हम बात करें, तो स्टेप नंबर टू में आपको करना क्या है, थिंक अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू वर इन्वॉल्व ड्यूरिंग दैट टाइम, लाइक प्लेइंग एनी गेम, मूवीज, और जॉब, और बिजनेस, एग्रीकल्चर, कुछ भी. आप सोचिए कि जब आपके कम मार्क्स आए ग्रेजुएशन में, या इंटर में आप फेल हुए, या कुछ भी हुआ, तो आप उस समय कर क्या रहे थे? शायद आप क्रिकेट बहुत खेलने लगे होंगे,
आप मूवीज देखने लगे होंगे, आप घर में अपने फादर के बिजनेस में लगे होंगे, आपने खुद शायद कुछ नया बिजनेस शुरू किया होगा, हो सकता है आप कृषि कार्य में अपने फादर के साथ लगे हो। आप सोचिए कि आपने उस समय क्या किया था और जल्दी से उसको शॉर्ट आउट करिए। नाउ कम एट स्टेप नंबर थ्री में आपको क्या करना है, सोचना है कि जो भी काम आपने किया, आपने अगर एग्रीकल्चर किया, कृषि में आप शामिल थे, तो आपने क्या सीखा। अगर आपने क्रिकेट खेल रहे थे, आप उस दौरान आपने क्रिकेट खेलने में अपना समय लगाया, तो आपने क्या सीखा, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको सोचना है कि व्हाट एक्सपीरियंस यू गेन फ्रॉम दैट एक्टिविटी। यस मेरे दोस्त, नाउ योर आंसर इज रेडी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप ऐसे अपना जवाब दे सकते हैं, आप अपने से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सी माई एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है अगर आपके ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज है। आई गॉट लेस परसेंटेज इन ग्रेजुएशन बिकॉज ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई वॉज बिजी इन स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद स्टडी। आई लर्न टीम बिहेवियर एंड स्ट्रेटजी मेकिंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स। तो आप ऐसे ही कई चीजें बता सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहे तो आप बताइए व्हाट यू लर्न फ्रॉम देयर। यू लर्न हार्ड वर्किंग, यू लर्न पेशेंस, आपने कैसे भंडारण करते हैं, कैसे बीज बोते हैं, ये सब सीखा। आप इंटरव्यू में खुलकर इसे बताइए। ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स एवरीवन, कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल, और जरूरत पड़े तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन करें, वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक्स एवरीवन।